किस तरह से E916 रिमूव करते हैं। ये देखें, हमारा ये मेन कार्ड है, इसमें एरर आ गया था, E916 का कम्युनिकेशन का एरर है ये, तो हमने इस कार्ड को रिपेयर किया है। ये तमाम ICs जो आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें, मैं आपको अभी इंडिकेट करता हूँ IC, ये वाली IC इसमें प्रॉब्लम आती है, और इस IC में प्रॉब्लम आती है, जो नीचे का पैनल है इसमें डिस्टर्बिंग होती है, तो जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन के एरर आ जाते हैं E916 के। तो इसको रिपेयर करने के बाद, मतलब इसको एक्सचेंज करने के बाद, फिर जो हम तमाम डायरेक्शन देखते हैं, इसका आईप्रोम चेक करें, ये आईप्रोम है इसका, इसमें फीडिंग में प्रॉब्लम आता है, और अब मैंने इसको रिमूव कर दिया है ICO को। अब मैं इनकी लीडें लगा रहा हूँ, ये एक प्रोग्रामिंग की लीडें हैं ये, तो दोस्तों ये प्रोग्रामिंग की लीडें हैं, और अमूमन जो है इनमें नंबर लिखे हुए होते हैं, तो उसी हिसाब से उसी सर्किट में वो आसानी से आप लगा दीजिए। बाद अवकात ऐसा होता है कि मशीनें थोड़ी सी ओल्ड हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो वो नंबर मिट जाते हैं, जिस वजह से लीडें लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आती है। लेकिन ये है कि ये मेरी वीडियो आप लोग सेव कर लीजिएगा, तो आपको लीडें कनेक्ट करने में आसानी होती है, आसानी रहेगी इंशाल्लाह। अब मैं ये लीडें लगा रहा हूँ दोस्तों, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का दोस्तों को, क्योंकि मेरा जो एम है, मेरा जो मकसद है, वो लोगों को काम सिखाना है, ताकि वो अपना एक बाइज़त रोज़गार कमा सकें। काफ़ी लोगों ने मुझसे काफ़ी चीज़ें पूछी हैं, तो दोस्तों ये काम मैं सिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, इसके मैं किसी से कोई पैसे नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़ात से कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के रोज़गार में आसानी हो और वो अपना बाइज़त रोज़गार कमा सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। और जो लोग मुझसे मतलब टीच लेना चाहते हैं या कुछ मालूमात करना चाहते हैं, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जो भी मुझसे पूछें आप, तो मुझे कम से कम जो है वो 10 सब्सक्राइबर करके दे दें, उसके बाद वो जो भी जिस तरह की भी टीचिंग पूछेंगे मैं उन्हें करके दूंगा, उन्हें हेल्प करूंगा। अच्छा दोस्तों, E916 जब आता है तो उसमें ये जो STD कार्ड है, ये फ्यूज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, ये फ्यूज़ भी ब्लास्ट कर जाते हैं। ये फ़ैन की लीड है, ये पावर की, ये पावर के जैक हैं सारे, ये देखिए, ये कम्युनिकेशन की लीड है। तो जब ये 916 आता है तो ये STD कार्ड में ऊपर E5 और A3 फ्यूज़ हैं, वो ब्लास्ट कर जाते हैं। तो ये कार्ड रिमूव करने के बाद फिर हमें वो फ्यूज़ भी चेंज करने होते हैं। अब हमने ये कार्ड तमाम लगा दिया है, मैं आपको उसको रेडी करके दिखाता हूँ। ये हमने पावर ऑन किया इसका, ये प्रोग्रामिंग आ गई, उसके बाद हम इसको रेडी करेंगे, और ये देखें, ये मशीन अपना वर्क कर रही है, ये देखें। तो इस तरीके से दोस्तों, ये जिनको भी हो कोई प्रॉब्लम, इस तरह का एरर आ जाए, तो वो इस तरह से इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके काम में हेल्प होगी। मेरी वीडियो देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।